वो भी 120 करोड़ की है। थैंक यू। ओके ओके देखिए, अभी तक जो बड़े निवेश आए हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में आए हैं, पर्यटन में आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, आपका टूरिज्म में है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े एमओयू साइन किए हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम जो इन्वेस्टर और अभी तक भी एमओयू साइन हो रहे हैं, लगातार साइन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हमारे इस इन्वेस्टर समिट पे आए हैं और दो दिन तक ये समिट चलेगा। इस तरह से इसमें निवेशकों ने उत्साह दिखाया है, देश और देश के बाहर के भी निवेशक यहाँ पर आए हैं, देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परिकल्पना है उत्तराखंड की, भविष्य की, जो उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण ये शुरुआत हुई। बहुत अच्छे परिणाम एक भविष्य में आएंगे, जहाँ जिससे रोजगार सृजन होगा वहीं राज्य की जो आर्थिक प्रगति वह भी होगी और उत्तराखंड को जानने का मौका ये देश को दुनिया वालों को हमने कहा अच्छा उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी का एक सब लोग जानते हैं कि बहुत लगाव है उत्तराखंड से, बीते डेढ़ साल में 6-7 बार यहाँ पर प्रधानमंत्री आए और सदैव उन्होंने उत्तराखंड की जो पहचान है, उत्तराखंड की जो विशेषता है, उसको लेकर हमेशा वो निश्चिंत भी रहे और उसका स्पष्ट माना कि उसी हम लोग जिनको उत्तराखंड की पहचान और उसी हिसाब से उनको विकसित करना चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।